इन इंट्रोड्यूस वीडियो आई एम गोना रिव्यू प्लम सेफ्रॉन एंड कुमकुमादी ऑयल ग्लो ब्राइट मॉइस्चराइज़र जो आपके स्किन का ग्लो एनहांस करेगा इसमें है एस पी एफ थर्टी फाइव यू वी एंड यू वी बी प्रोटेक्शन भी है तो चलो शुरू करते हैं आज का और एक प्रोडक्ट रिव्यू का वीडियो सबसे पहले तो इस प्रोडक्ट के पैकेजिंग के बारे में और इंग्रेडिएंट्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट तो ये जो प्रोडक्ट है इसका पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और इसका जो क्वांटिटी है वो है 50 ग्राम और ये ग्लास जार में डाल के दिया गया है ताकि ये लंबे समय के लिए ठीक रहे और एयर टाइट कंटेनर है ये और इसमें ना दो इन्ग्रीडियंट्स को मेनली हाईलाइट किया गया है सेफ्रॉन मतलब केसर और उसके साथ कुंभकुमाधि ऑयल और ये ग्लो भी लाएगा स्किन पे स्किन को ब्राइटन करेगा और अच्छे से मॉइस्चराइज़ करेगा और यहाँ पे ऐसे भी लिखा है कि ये ग्लो को एनहांस करेगा मतलब अगर आपके स्किन पे एकदम ही ग्लो नहीं है होता है बहुत सारे लोगों का इवन मेरे स्किन पे भी एक ग्लो नहीं रहता है जब भी मैं प्रोडक्ट्स को लगाती हूं तब ग्लो रहता है।, बाकी नहीं रहता है तो यहाँ पे मैं यही एक कहना एक चाहूंगी इसको लूँगी तो दूध सा सफ़ेद नहीं होगे आपका जैसा है उसे दो, तीन ब्राइटर आप कर सकते अपने स्किन को एकदम ही आपका कम्पलेक्शन ओवरनाइट चेंज नहीं हो जाएगा और ये जो प्रोडक्ट है ना काफ़ी लाइट कंसिस्टेंसी वाला है मतलब हाथ में लेने के बाद ही नहीं है ऐसे फिसल फिसल है लेकिन उसके बाद

सबसे पहली चीज़ ये वीडियो है 100% परसेंट नॉन स्पॉन्सर्ड सेकेंड थिंग इज़ आई पर्सनली लाइक दिस ब्रांड प्लम क्योंकि ये अलग अलग स्किन टेक्सचर के ऊपर बेस करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है जो बहुत ही कम कंपनी बनाती है और हर स्किन के ऊपर अलग चीज़ अप्लाई करना भी चाहिए ये हर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं ऐसे ब्रांड्स हैं जो हमेशा अपने प्रोडक्ट्स में लिखे दे, लिख देते हैं कि दिस प्रोडक्ट इज़ सुटेबल टू ऑल स्किन टाइप और ज़्यादातर केसेस में उसको लगाने के बाद रिएक्शन हो जाता है लेकिन प्लम अलग अलग स्किन टाइप के ऊपर पेस करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है और प्लम के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने इस्तेमाल किया है जैसे टी थ्री जेल ग्रीन टी मास्क विटामिन सी सिरम एंड नाउ प्लम सेफ्रॉन एंड कुंकुमादी ऑयल ग्लो ब्राइट मॉइस्चराइजर यहाँ पे जैसे लिखा है ये ग्लो भी ऐड करेगा ब्राइटनेस भी लाएगा और मॉइस्चराइज भी करेगा हमारे स्किन को ऑल दो स्किन इज बिट ऑयली तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था इसको लगाते टाइम पे जब मैंने इस प्रोडक्ट को हाथ में लिया था ये तो हाथ से बहुत ही ज़्यादा स्लिप कर रहा था मुझे लगा कि लाइट कंसिस्टेंसी वाला होगा लेकिन आई वॉज रॉन्ग वेन आई अप्लाइड दिस प्रोडक्ट ऑन माई फेस पहले तो लगा कि एकदम लाइट है चार से पाँच मिनट लगता है स्किन पे ये ऑब्जॉर्व होने में और अपने स्किन के ऊपर अच्छे से काम करने में इसको तीन से चार घंटा लग जाता है अब जब मैं इसको लगा रही थी ना मेरे स्किन पे थोड़ा सा ड्राइनेस हुआ था एंड आई वॉज थिंकिंग मेरा स्किन तो ऑयली था अभी ड्राई कैसे हो गया मेरा स्किन शायद ऑयली से कॉम्बिनेशन पे चला गया है मेरा स्किन है ऑयली उसके ऊपर कोलकाता में अभी 41, 42 डिग्री चल रहा था उस टाइम पे humidity level was very very high and then I applied this product on my face my skin was so so oily ऐसा लग रहा था कि चेहरे से मतलब तेल निकाल कर कढ़ाई पर डालकर खाना बना सकते हैं look at my face बहुत ही fresh लगेगा चेहरा बहुत ही moisturized लगेगा glowing लगेगा but at the same time if you have oily skin ना और उसके ऊपर इस product को हम लगाते हैं दिन के time पर specially तो skin बहुत ज़्यादा sticky हो जाता है स्किन वॉज लुकिंग गुड क्योंकि ये प्रोडक्ट ना थोड़ा सा टाइम लेता है मतलब ऐसे ही नहीं कि संग संग ऑब्जॉर्व हो गया दो आधे घंटे से एक घंटे के अंदर आपके स्किन के ऊपर सुपर सुपर मैजिक कर गया ये थोड़ा सा टाइम लेता है स्किन पे ऑब्जॉर्व होने में उसके बाद काम करने में भी इसका टाइम लगता है मैंने पहले इसको लगाया फर्स्ट तीन चार एप्लीकेशन के बाद मेरे चेहरे पर थोड़े से रेड बम्स हो गए थे कुछ रैशेज एंड पिम्पल्स आ गए थे लेकिन वो फैले नहीं वो एक दो थे उसके बाद वो ठीक हो गए और ये मेरे स्किन के ऊपर सूट कर गया था और यहाँ पे जैसा लिखा है कि ग्लो भी लाएगा ब्राइटनेस भी लाएगा मॉइस्चराइज भी करेगा तो ग्लो और मॉइस्चराइजर में तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है ओवरऑल स्किन थोड़ा सा ब्राइटन होगा लेकिन स्किन के ऊपर जो जिद्दी जिद्दी स्पॉट्स है पिगमेंटेशन के स्पॉट्स दाग धब्बे वगैरह वगैरह जो सारी चीज़ें हमारे चेहरे पर रहते हैं उनके ऊपर इतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा लुक एट माई फेस छोटे छोटे जो स्पॉट्स है वो एज इट इज़ है उनके ऊपर ये काम नहीं करता है ओवरऑल स्किन मॉइस्चराइज होगा मुझे ऐसा लगता है कि दिस प्रोडक्ट इज रियली गुड फॉर ड्राई स्किन तो ड्राई स्किन तो इतना ज़्यादा पसीना हो जाता है उसके ऊपर ना स्किन ऑक्सीडाइज होकर काला हो जाता है और लगाने के बाद धूप में निकलोगे तो हो गया आपका स्किन मतलब स्टिकी भी होगा ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा और उसके साथ कुछ एक बम्प भी निकल सकते हैं अभी मैंने इसको लगाने का जो टेक्निक है चेंज कर दिया है मैं अभी इसको हफ्ते में तीन दिन लगाती हूँ तो आ, जो मैं कह रही थी कि ड्राई स्किन वाले इसको कभी भी लगा सकते हैं और अगर आप पूरे साल के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो जो जिसको आप हर टाइम पर अप्लाई कर सकते हो जो आपकी स्किन को एक हेल्दी ग्लो भी देगा थोड़ा तो सा मॉइस्चराइज भी करेगा और ओवरऑल स्किन को ब्राइटन करेगा देन यू कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट स्टिल आई फील दैट दिस प्रोडक्ट इज बिट कॉस्टलियर क्योंकि इस रेंज इस प्राइस में आपको और भी अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे और ये फिफ्टी ग्राम का जो प्रोडक्ट है और भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स के हैं जो इससे कम रेंज में भी प्रोवाइड करती है इस टाइप के प्रोडक्ट्स तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा प्राइसी है ब्राइटनेस की अगर हम बात करें जिद्दी स्पॉट्स तो जाएंगे नहीं लेकिन आपके स्किन का कंप्लेक्शन भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो जाएगा Uh, एक एक से दो शेड लाइटर होगा जो आप घर पे डी से भी कर सकते हो स्टिल इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रोडक्ट जिसको आप हर टाइम पे अप्लाई कर सकते हो थोड़ा सा मॉइस्चराइजेशन के लिए ग्लो लाने के लिए देन यू कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट और यहाँ पे कुछ स्पॉट्स वगैरह है आप देख सकते हो जो अभी भी है मेरे चेहरे पर जा ही नहीं रहे पता नहीं क्या लगाना पड़ेगा उसके लिए और ये यहाँ पर भी आप देख सकते हो तो ओवरऑल मॉइस्चराइज करेगा लेकिन बहुत ज़्यादा पसीना भी होगा अगर आप दिन के समय लगाते हो सुपर ड्राई स्किन के लिए दिस कुड बी अ गुड ऑल्टरनेटिव सो so, ये था मेरा वीडियो गाइस प्लम सेफ्रॉन एंड कुमकुमादी ग्लो ब्राइट मॉइस्चराइजर के ऊपर डेफिनेटली ग्लो ऐड करेगा और स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चराइज भी करेगा इस प्रोडक्ट को अगर आप में से किसी ने भी लगाया है तो डेफिनेटली कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके मुझे बताओ और यहाँ पे इसको ये जो फुटेज है इसको देखने के बाद आपको बिफोर आफ्टर वाला फुटेज भी मिल जाएगा बिफोर वाला फुटेज थोड़ा सा रफ स्किन है मेरा और आफ्टर में आप देख सकते हो स्किन थोड़ा सा हेल्दी और मॉइस्चराइज लग रहा है तो इतना डिफरेंस आपको लगे लगेगा और ओवरऑल थोड़ा सा ब्राइटनेस आएगा सो दैट्स ऑल फॉर डु वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय